वेलकम बैक टू माई चैनल केयर एंड केयर गाइस। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि फेस के ऊपर आपकी छाइयाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो आपको क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि इसका एकमात्र उपाय यही है जो कि आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने देखा है, काफ़ी ज़्यादा आपको इससे इफ़ेक्ट मिलना ही मिलना है, इसमें कोई भी शक गुंजाइश वाली कोई बात नहीं है। तो इसे ज़रूर से आप ट्राई ज़रूर करिए, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये कि ये पूरी इन्फॉर्मेशन को आप अच्छी तरीके से सुनिए ताकि कोई भी डाउट आपके अंदर ना रहे। और थर्ड चीज़ ये कि अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें एंड बेल आइकन को ज़रूर से हिट करें, क्योंकि इस वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर से मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते और जानते हैं कि आखिर होता क्यों है। पहली बात तो होता क्यों है, ऐसे छाइयाँ फेस पे क्यों आ जाती है। तो एक एज के बाद, क्योंकि एक औरत में काफ़ी सारे बदलाव देखे जाते हैं, हार्मोन चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से फेस पे हो या बॉडी में कोई भी चेंजेस हो, ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर फेस पे कोई ऐसे दाग हो जाए या चीज़ें हो जाए जो कि देखने में भी अच्छी नहीं लगती और खुद में भी बहुत आप लो फील करते हो, तो इस वजह से ये ज़रूर से आप ट्राई करिए। तो पहली चीज़ जो आपको ट्राई करनी है वो करना है एलोवेरा, ठीक है। आप एलोवेरा डे में भी यूज़ कर सकते हो, नाइट में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन जो सेकंड चीज़ आप लेकर शेयर करूँगी वो आपको नाइट में ही यूज़ करनी है। इसलिए आपको डे में यूज़ करना है एलोवेरा, चाहे आपके घर में पौधा हो तो भी कोई बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप कोई जल भी यूज़ कर सकते हो, चाहे पतंजलि का हो चाहे वाव का हो, कोई भी आप जल यूज़ कर सकते हो। और अगर पौधा है तो आप उसका पल्प निकाल के नहाने से आधे एक घंटे पहले आप उसे ज़रूर से अपने फेस पे अप्लाई करें। आपको जिस तरीके से मसाज करते हैं बस सेम लाइक दैट आपको उस तरीके से मसाज करनी है। आधा एक घंटा आप छोड़ दीजिए, जब वो ड्राई हो जाए उसके बाद जब आप नहाने जाते हो देन आपको वॉश कर लेना है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड चीज़ जो है वो आपको ये करना है कि आप विट एन नाम की एक क्रीम आती है, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, ये आप ज़रूर से ट्राई करिए। ये आप नाइट क्रीम है, आप इसे डे में यूज़ ना करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ये अगर आपके फेस पे एक्ने वगैरह भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मीन्स पिंपल वगैरह भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप उसमें भी इसे यूज़ कर सकते हो। और सेकेंड चीज़ ये कि अगर आपकी छाइयाँ हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, और 10 से 15 दिन के अंदर ही आपको चेंजेस समझ में आने लगेंगे। मेरी मदर को भी बहुत ज़्यादा छाइयाँ आप कह सकते हो थी, 40 एज की बात हो रही थी, लेकिन उसके बाद ये सारी चीज़ें जब हमने की तो काफ़ी अच्छा हो गया, रिजल्ट मिला हमें। तो इसलिए आप ये दो चीज़ें करके देखो, 200 श्योर मैं आपको बता रही हूँ कि इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। आपकी जितनी भी छाइयाँ हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगी, लेकिन आपको कंटिन्यूसली ये चीज़ करनी है। डे में आपको एलोवेरा यूज़ करना है और रात में आपको विटनोविट इन ज़रूर से इस्तेमाल करनी है, ताकि आपको इसका रिज़ल्ट अच्छे तरीके से मिल जाए, और 10 से 15 दिन में ही आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। तो गाइज़ यही थी आज की इन्फॉर्मेशन, आप ज़रूर से इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो, इससे आप लोग को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी। तो लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर से करें। तो चलिए मिलते अपनी अच्छी से नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।